तो ये द्वारका थी किसकी? ये राजा द्वारकाधीश की द्वारका नहीं थी? द्वारिका नाथ को तो बाद में प्राप्त हुई है। सबसे पहले अगर द्वारका उठाकर देखा जाए शास्त्रों को तो राजा शरियाती की थी। और राजा शरियाती के तीन पुत्र थे, उसमें एक दिन राजा शरियाती ने मन में विचार करा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अपनी जायदाद का हिस्सा दे दूं तो पूरी पृथ्वी जो थी, पूरी पृथ्वी, पृथ्वी का अगर कोई राजा था तो राजा शरियाती था, पूरी पृथ्वी का राज उसके पास में था, पूरी पृथ्वी का। अब जब पूरी पृथ्वी का राज उसके पास में था तो राजा शरियाती ने विचार करा कि अब इतनी बड़ी नगरी मेरे पास में है, इतनी बड़ी धरा मेरे पास में है, अपने पुत्रों को मैं कुछ बांट देता हूं। तो उसने विचार करा, एक पुत्र को एक भाग दे दिया, उत्तन बहित को एक साइड का, राजा अनर्थ को एक ओर का और भूरी शेठ को एक ओर का। ये तीन पुत्र थे। और चौथा जो हिस्सा था पृथ्वी का, चौथा जो भाग था, वो राजा शरियाती ने अपने पास में रखा। तो एक दिन राजा शरियाती ने अपने मुख से कह दिया, इस पृथ्वी का अगर कोई राजा है तो मैं हूं, इस पृथ्वी का अगर कोई वीर आनंद कराने वाला है, इस पृथ्वी का यदि कोई पालन करता है, इस पृथ्वी का यदि कोई एक रक्षक है तो वो मैं हूं। इतने में राजा अनर्थ, जो राजा शरियाती के मंजले पुत्र थे, उनके मुख से निकल गया, पिताजी आपको लगता है कि ये पूरी पृथ्वी आपकी है, आपको लगता है ये पूरी पृथ्वी आप पालन कर रहे हो, आपको लगता है कि ये पृथ्वी के राजा दिराज आप हो, पर ये गलत है। तो कौन है ये? राजा अनर्थ से पूछा पिताजी ने, तो फिर इस सृष्टि का राजा कौन, इस पृथ्वी का राजा कौन है? राजा अनर्थ, राजा शरियार्थी के मंजले पुत्र ने कहा, इस पृथ्वी का तो एक ही राजा है, वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा ठाकुर है। सृष्टि का पालन करता भी वही है और सृष्टि को रचने वाला भी वही है। इतने में शरियार्थी को क्रोध आ गया और राजा शरियार्थी ने क्रोध में आकर अपने बेटे राजा अनर्थ को, जो मंजला पुत्र था, उसको श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरी पृथ्वी में जहां तू मेरे हिस्से के अंतर्गत, अगर मेरी भूमि में, मेरी पृथ्वी पर अगर जहां तू रहेगा वहीं जलकर भस्म हो जाए, मैं तुझे देश निकाला देता हूं, अपनी पृथ्वी पर कहीं नहीं रह सकता। अब पूरी पृथ्वी राजा शरियार्थी की, अब पृथ्वी पर बेटे को रहने नहीं दे, बेटा कहां जाए? राजा अनर्थ के मन में बड़ा भाव प्रकट हुआ, क्या करूं मैं, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? राजा अनर्थ उसी समय पर अब पृथ्वी पर रह नहीं सकता, तो जल में तो राजा पिताजी का राज ही नहीं, तो जल में जाकर खड़ा हो गया। और राजा अनर्थ जब जल में जाकर खड़े हुए, जल में पहुंचने के बाद में राजा अनर्थ ने बहुत घोर तप करना प्रारंभ किया, इतना तप करा कि राजा अनर्थ तप में लीन रहे। तप करते 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 पूरा शरीर गलने लगा, शरीर गलने लगा। इतनी देर में भगवान विष्णु, मेरे ठाकुर, वहां प्रकट हो गए और मेरे नारायण प्रकट होकर बोले, मांगो राजा अनर्थ, तुमको क्या चाहिए? बोलो तुम्हें दे क्या, हम क्या प्रदान करें तुमको? राजा अनर्थ बोलते हैं, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने तो बस केवल भजन करा है आपका, तप करा है आपका। होता है लोग व्रत करें, दान करें, पुण्य करें तो भगवान भी पूछता है, मांग लो तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। तब भगवान नारायण फिर बोले, राजा अनर्थ अभी भी मौका है तुम्हें मांगने के लिए, आपको कुछ चाहिए हो तो मांग लीजिए। आपको कुछ चाहिए हो तो बोल दो। राजा अनर्थ कहते हैं, नहीं चाहिए हमको, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भगवान बोले, तो तुम जल में खड़े होकर तप क्यों कर रहे हो? क्या बात है तुम्हें तप करने का?
राजा अनर्थ बोले, मेरे पिताजी से मैंने एक शब्द कह दिया। पिताजी बोल रहे थे पूरी पृथ्वी मेरी है, इस सृष्टि का राजा मैं हूँ, इस सृष्टि का पालन करता मैं हूँ, ये पूरी जितनी पृथ्वी है सब मेरी है, और मेरे मुख से निकल गया पिताजी इस सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि का रचना करता, इस सृष्टि का अगर कोई अधिकारी है तो वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा ठाकुर है। बस मेरे मुख से इतना निकला और मेरे पिताजी ने श्राप दे दिया कि अगर तू पृथ्वी पर रहेगा तो तेरे प्राण छूट जाएंगे, तो मैं कहाँ जाऊं, तो जल में खड़े होकर तप कर रहा था, इसलिए आपका मुझे दर्शन हो गया नाथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान स्वयं नारायण बोल रहे हैं जा, मैं तुझे, अगर तेरे पिताजी ने तुझे श्राप दिया है पृथ्वी पर रहने का कि पृथ्वी पर रहेगा तो तू मर जाएगा, तू समाप्त हो जाएगा, तो तू एक काम कर, अब पृथ्वी पर रहना ही नहीं। तो प्रभु कहाँ रहूंगा? भगवान बोले तेरे लिए मैं जल के अंदर एक सुंदर पुरी का निर्माण कर देता हूं। भगवान नारायण ने उसी समय पर अपने पार्षदों को बोला जाओ बैकुंठ का एक हिस्सा, चौथाई हिस्सा बैकुंठ का थोड़ा सा टुकड़ा काट कर लाओ और उसको इस जल पर समुद्र पर ठहरा दो। भगवान विष्णु के पार्षद बोले अगर समुद्र पर ठहराएंगे, जल पर ठहराएंगे तो वो बैकुंठ का हिस्सा तो डूब जाएगा ना, फिर ठहराया कैसे जाए? भगवान बोले काम करो, मैं अपना सुदर्शन चक्र समुद्र के मध्य में फेंक देता हूँ, उस सुदर्शन चक्र की नींव पर तुम बैकुंठ का छोटा सा टुकड़ा लाकर स्थापित कर दो, नींव रहेगी सुदर्शन चक्र की और उस पर बैकुंठ का टुकड़ा विराजमान रहेगा, जो राजा अनर्थ जिसका राजा बनकर रहे। ये वही राजा अनर्थ का बैकुंठ का टुकड़ा भगवान नारायण के चक्र के ऊपर जो स्थापित हुआ वो टुकड़ा विराजमान।